जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, खादिम साहब हैं इस दरगाह के, ये कुछ मालूमात देंगे हमें इस दरगाह के बारे में, तो मैं इनसे पूछता हूँ। तो बस सो गाइस, जो ये हौज है देखिए, ये क्वीन मैरी ने 1911 में बनवाई थी। मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के आपके दिखाता हूँ, ये बादशाह अकबर ने बनवाई थी ये वाली, देख। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं हूँ इस वक्त अजमेर में, आज जा रहा हूँ मैं दरगाह शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की। तो आपको मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा वहाँ की, ख्वाजा गरीब नवाज का जो मज़ार है वहाँ की, आज मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो मेरे चैनल में नए हैं, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। और प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक, स्किप करके ना देखें। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, मैं अपने होटल से बाहर आया हूँ, और ये देखिए सामने मेन गेट ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का, देखो मेन गेट है। कुछ लोग देखिए फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ फूल वगैरह, मैंने फूल चादरें मिल रही हैं। इस साइड में होटल्स वगैरह हैं दरगाह की राइट साइड में। दो बेटे जैसा कि गाइस हम देख सकते हैं, यहाँ अजमेर शरीफ की जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की, यहाँ पर दो मस्जिदें हैं। एक जो मस्जिद है ये सामने पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये आप सामने से देख सकते हैं, ये जो मेन एंट्रेंस है अंदर जाने का ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, गाइस ये मेन एंट्रेंस है, जो सबसे पहले ये दरबार खोला जाता है, इसको बेगम दल्लान कहा जाता है, जो शाहजहाँ की बेटी ने बनवाया था, बेगम जानहारा जिनका नाम था, उन्होंने बनवाया था ये। वो बेहद अकीदतमंद थी गरीब नवाज की, जिन्होंने ये बनवाया था। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, खादिम साहब हैं इस दरगाह के, ये कुछ मालूमात देंगे हमें इस दरगाह के बारे में, तो मैं इनसे पूछता हूँ। तो बताइए आप, ये जो आप देख रहे हैं सामने दलाल जी, ये आस्थाने आलिया का मेन गेट है, आस्थाने आलिया का जी। सुबह दरबार जब खोला जाता है तो यहाँ पर
अजान दी जाती है, अजान दे के दरबार शरीफ का ताला खोला जाता है जी, और उसके बाद बाकी जितने भी अंदर के गेट हैं वो अंदर ही से बंद होते हैं जी, जी। ये मेन एंट्रेंस है, और ये जो दलान आप देख रहे हैं जी, ये बेगमी दलान है जी, जो बेगम जहानारा ने बनाया, जो साहबजादी थी शाहजहाँ बादशाह की जी जी, और उनको बहुत अकीदत थी बारगाह गरीब नवाज से। और बस इसके सामने ये आप दरख्त देख रहे हैं जी, ये जो पेड़ है ये हजरत जहानिया जहांगश्त रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ दरख्त है जी। ये बड़े बुजुर्ग, अजीम बुजुर्ग हुए हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत की जी, और बताया जाता है आपका मज़ार कन्नौज की तरफ है जी। और आप अपने जितने भी मशाइख चित अपने से बड़े अपने पीरों की बारगाह में, पीर औरजान की बारगाह में गए, गरीब नवाज में, ख्वाजा कुतुब साहब में, बाबा फरीद गंज शकर साहब में, महबूब पाक में, उन्होंने अपने तमाम बुजुर्गों के आस्थानों पर एक खिरनी का दरख्त लगाया जी। ये दरख्त आप देख सकते हैं, वही दरख्त है जी, और आज भी इसमें फल आते हैं जी, और लोग शिफा के लिए इसके फल जब होते हैं तो लेके खाते हैं। और शाह अकबर का जो मन्नत का बेटा हुआ हाँ, उसने इसमें तराजू लगा करके अपने बच्चे को तोला था, जो आज तक यहाँ तराजू लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप, देख ये तराजू देख, लगा है जी। लोग यहाँ पर मन्नतों के बच्चे भी तोलते हैं जी, और इसमें जो मन्नत के बच्चे तोले जाते हैं जी, जो भी फ्रूट्स में भी तोलते हैं, अनाज में तोलते हैं, मिठाई में तोलते हैं, गुड़ खोपरे में तोलते हैं जी, अल्लाह ने किसी को नवाजा तो वो सिक्कों में भी तोलते हैं क्वींस में, और वो यहाँ पर दरबार में नजराना हदिया कर देते हैं, तबरुक बांट देते हैं गरीब नवाज की बारगाह में। हुजूर गरीब नवाज के नाम से यहाँ पर वो लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं जी, मोहब्बत में तोलते हैं सरकार की जी। यहाँ नियत कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें तो औलाद दे, तो हम ख्वाजा के दरबार में उसको तोलें और तबरुक बांटें जी, या फातिहा दिलाएं मिठाई पे जी, चादर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तो अल्लाह ताला से लोग दुआएं करते हैं, बारगाह गरीब नवाज में आते हैं जी। ये अल्लाह के वली हैं, महबूब वली हैं, इनके बारगाह में सुनवाई जल्दी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी है बेशक, ये अल्लाह से राज़ी है बेशक, और अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम गुनाहगारों के वसीला है ये बेशक, हम गुनाहगार अपना वसीला बना के अल्लाह की बारगाह में इनको पेश करते हैं बेशक, और इनके सदके तुफैल में अल्लाह हमारी मुरादें पूरी करता है बेशक, और ये वो हिंदल वली अताए रसूल हैं बेशक, जिन्होंने इस हिंदुस्तान बर्र सग़ीर में इस्लाम की तबलीग फरमाई बेशक, इसी ने आपकी शान में ये भी फरमाया है जी, माँ अंदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बल्फाज़े दिगर पैगम्बर हिंदोस्तान ख्वाजा, गरीब नवाज अताए रसूल हैं, नाइब रसूल हैं। आप अपने पीरों मुर्शिद के साथ जब मदीने पाक पहुँचे थे जी, तो मदीने पाक में जब आपने सलाम पेश किया तो वहाँ से आपको सलाम का जवाब मिला, और हुक्म में रसूल खुदा हुआ और अपना नाइब बना के हुजूर ने आपको हिंदुस्तान भेजा जी, और इस बर्र सग़ीर में आप ने ही इस्लाम का बाग लगाया है, और इस बाग के निगेबान भी आप ही हैं इंशाअल्लाह। हम जितने भी अकीदतमंदान गरीब नवाज हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको ईमान की दौलत दे, ईमान की सलामती दे, आमीन। ये मस्जिद है, जो तीन मस्जिदें हैं यहाँ, तीन मस्जिदें हैं जी जी, तीनों मस्जिदों में 10-10 मिनट के फ़र्क के हिसाब से नमाज होती है, ताकि किसी की जमात यहाँ छूटे जी तो वो आगे वाली में पढ़ ले, वहाँ छूटे तो उससे आगे अकबरी मस्जिद है वहाँ जाके पढ़ जी। तो ये हजरत आलमगीर जिन्हें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है जी जी, बादशाह औरंगज़ेब जी जी, उन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। उनका भी बड़े वाकयात है यहाँ पे, जब वो बारगाह गरीब नवाज में हाज़िरी देने आए तो कई मदारात पे जाते थे, सलाम पेश करते थे, जवाब नहीं मिलता था वो तरगत होवा देते थे। अच्छा, जब बारगाह गरीब नवाज में आए तो उन्होंने सलाम पेश किया जी, और उनको सलाम का जवाब गरीब नवाज ने इस अंदाज में दिया, वालेकुम अस्सलाम आलमगीर उज्जती, तो वो कांपने लगे और तौबा करने, सरकार ने कहा कि हम पर शरीयत में हमने पर्दा कर लिया है, हम आपके सलाम का जवाब देना हम पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें उज्जत थी तो हमको ये शरीयत का पर्दा उठाना पड़ा और तुम्हें जवाब दिया हमने जी। तो और हमने बादशाह ने माफ़ी कर मांगी बारगाह गरीब नवाज में, और उनको भी बहुत अकीदत हुई गरीब नवाज से, इतनी अकीदत रही कि उन्होंने ये मस्जिद बनाई, आज भी सबसे पहले यहीं नमाज होती है, यहाँ के बाद पहले होती है, यहाँ के बाद शाहजहानी मस्जिद में होती है, वहाँ के बाद अकबरी मस्जिद में होती है, मगरिब का वक्त एक ही है इसमें, एक साथ होती है, बाकी सब हाँ, चार वक्त की नमाजों में 10-10 मिनट का फ़र्क रहता है जी। ये भी बताया जाता है कि ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ की किताबत है, जो कुरान की कुल अल्लाह शरीफ लिखा है जी, अल्लाह ताला के नाम लिखे या गफूर हो या गफ्फार हो जी, बादशाह जो है उनके हाथ की किताबत बताई जाती है, क्योंकि वो आप बताते बहुत अच्छे कातिब भी थे जी, कलाम पाक लिखा करते थे जी,
उसी वक्त की है, इसीलिए इसको छेड़ा नहीं जाता, इसको वापस इसको मेंटेनेंस किया, इसको मेंटेन करके चलते हैं जी। ये जो बीच में दुआ लिखी है, ली खम सतुल उत्फी बिया हर्रल वाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हम सैद बीबी माँ फातिमा ली खम सतुल उत्फी बिया लिखा है, बाकी कुल लिखे हुए हैं कुल वल्लाद। ये गरीब नवाज के आस्थाने की दीवार है सिरहाने की तरफ की जी जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है हाजा हबीब अल्लाह, हाजा हबीब अल्लाह मा तफीहु बिल्लाह जी। जब गरीब नवाज ने पर्दा फरमाया था जी जी, आपने जब दुनिया फानी से पर्दा फरमाया तो आपने रजब का चांद देखा था और अपना हुजरा मुबारक को बंद कर लिया था जी, और आपने हुक्म फरमाया था दरवाज़ा बंद करने से पहले कि हमें कोई भी खलल ना करे, हम बारगाह इलाही में याद इलाही में बैठना, हमें किसी तरह का खलल नहीं किया जाए, हमको जो है मैं माजरत के साथ कहूँगा कि जैसे डिस्टर्ब नहीं किया जाए, परेशान नहीं किया जाए, हम बारगाह गरीब नवाज, तो आप गरीब नवाज अल्लाह की इबादत के लिए बैठ गए थे जी। तो छः दिन बाद लोगों ने जो मामला देखे, छः दिन हुए दरवाज़ा नहीं खुला है जी, पहली रजब से छः रजब आ गई जी, उस छः रजब की पाँचवीं तारीख छठी शनबे कई बुजुर्गों ने ख्वाब भी देखे थे, और कुतुब साहब ने भी एक दो दिन पहले ही ख्वाब देखा था, तो आप दिल्ली से अजमेर के लिए रवाना हो गए थे जी। कुतुब साहब जब छः रजब को यहाँ पहुँचे तो ख्वाजा कुतुब साहब ने कहा कि दरवाज़ा खोला गया, तो आपका दरवाज़ा जब खोला गया तो आप पर्दा फरमा चुके थे, और आपको पेशानी मुबारक पर अल्लाह की तरफ से कुदरत ही लिखा था हाजा हबीब अल्लाह व मा तफीहु बिल्लाह, सब्ज़ नूर से लिखा था हाजा हबीब अल्लाह व मा तफीहु बिल्लाह, इसका मतलब होता है अल्लाह का हबीब, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह से जा मिला। तो ये आज भी उस बात को ये सिरहाने पे लिखा हुआ आता है, हाजा हबीब अल्लाह मा तफीहु बिल्लाह, हाजा हबीब अल्लाह मा तफी अल्लाह, गरीब नवाज के लिए। ये मस्जिद जो बनी हुई है गरीब नवाज के सिरहाने में बनी हुई है, जो औरंगजेब ने बनवाई थी, ये शाहजहानी मस्जिद है, सामने देख सकते हैं ये शाहजहानी मस्जिद है, इसके बारे में भी पूछते हैं हम यहाँ से, इनसे पूछते हैं भी इस मस्जिद के बारे में भी। ये शाहजहानी मस्जिद है, बादशाह शाहजहाँ ने बनवाई जी, और जुमे की नमाज़ यहीं से होती है, जुमे की नमाज की अजमेर की जामा मस्जिद भी यही कहलाती है जी, अजमेर की जामा मस्जिद यही है, यहीं से जुमे की नमाज भी होती है जी, और यहाँ जो इमामत करते हैं वही अजमेर की बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज भी वही इमाम साहब अदा करवाते हैं। अच्छा, बादशाह ने जब बनवाई तो उसने हुक्म दिया कि इसके गेट छोटे रखे जाए, जैसे कि गेट ये छोटे रखे गए हैं, कि जब बारगाह इलाही के अंदर कोई आए तो सर झुका के आए बेशक, और जब बारगाह इलाही से बाहर निकले तो बारगाह गरीब नवाज में भी सर झुका करके ही वो हाजिर हो बेशक। बादशाह ने अपने अदब से ये सोचा और हम लोगों तक ये मैसेज देता है कि अल्लाह का अदब करो जी, अल्लाह की बारगाह का अदब करो, अल्लाह के घर का अदब करो बेशक, और अल्लाह के वलियों का अदब करो, उनके मज़ारात का अदब करो बेशक, ये उनका पैगाम था इसके ज़रिए हम तक पहुंचाने का जी। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं इस आपके वीडियो के ज़रिए कि लोग इसे देखें तो इस बात को समझें जी, अल्लाह का अदब करो, अल्लाह से मोहब्बत करो बेशक, और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों का अदब करो, सिरातल मुस्तकीम वली अल्लाह ही का रास्ता है बेशक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन, सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे हमारा परवरदिगार हमको, अल्लाहुम्मा आमीन। ये जो दो गुंबद देख रहे हैं आप जी जी, ये गरीब नवाज के दोनों छोटे साहबजादों के आस्थाने हैं। अच्छा, ख्वाजा जियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और आपके जो बड़े फर्जंद हैं ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, उनका उर्स इसी महीने
ये शबान का चांद हो गया है जी जी, इंशाल्लाह आज 3 शबान को यहाँ से उनकी चादर जाएगी जी जी, और 5 शबान को चादर चढ़ेगी, रात में उनका गुस्ल होता है मज़ार शरीफ का जी, और 6 तारीख को 6 शबान को उनका कुल होता है। आपका नाम है ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी, यहाँ से 65 किलोमीटर पर आपका आस्था है। ये हौज वजूखाना है, ये वजूखाना ये है मस्जिद के बाहर, ये कब्रिस्तान है, यहाँ का चारियारी कब्रिस्तान कहलाता है ये। अच्छा, चारियारी कब्रिस्तान है जी, हमें यहाँ कब्रिस्तान से भी एक चारियारी कब्रिस्तान है, और हमको कब्रिस्तान में रोज़ आना चाहिए, अगर रोज़ ना आ सके तो हफ्ते में महीने में ज़रूर आना चाहिए, बेशक नहीं तो कम से कम साल में तो आना ही चाहिए। और यहाँ आने का मकसद ये होता है कब्रिस्तान में कि हम इबरत करें जी, हम यहाँ पर आएँ तो देखें कि यहाँ जो लोग हमारी तरह चला फिरा करते थे वो आज इस मिट्टी के अंदर दफन है, बेशक, और हमको भी लौट कर अपने यहीं पर आना है और इसी मिट्टी में कब्रिस्तानों में दफन होना है। तो हमें हर वक्त अल्लाह से तौबा की तौफीक मांगनी चाहिए जी, तौबा तो मांगते ही है मगर तौबा की तौफीक मांगनी चाहिए जी, और हमें अपनी कब्र को अपनी मौत को याद रखना चाहिए। सलामुलैकुम या अहले कुबूर। सो गाइस, जो ये हौज है देखिए, ये क्वीन मैरी ने 1911 में बनवाई थी। वजू खाना जो है, यहाँ वजू वगैरह बनाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए लोग बाग वजू बना रहे हैं। बादशाह अकबर ने बनवाई थी, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के आपके दिखाता हूँ कि बादशाह अकबर ने बनवाई थी ये वाली देख। ये देखिए लोग इसमें अपने अकीदत से इसमें तबारुक वगैरह चावल वगैरह डालते हैं। और यहाँ रोज़ लंगर बनाया जाता है, मीठा लंगर बनाया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बहन यहाँ पर आकर खाते हैं। सब लोगों में तकसीम किया जाता है तबर्रुक। ये देखिए यहाँ पर आग जलाई जाती है नीचे की साइड, ये यहाँ पर लकड़ी डालकर आग जलाई जाती है। और एक सामने देख है, तो ये जो सामने वाली देखे गाइस, ये बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी। ये 60 मन की देख है, उससे आधी वो 120 मन की थी पहली वाली, और ये दूसरी वाली जो है ये 60 मन की देख है, इसमें भी तबर्रुक बनाया जाता है। मेरा पर्स दे देना, न्याज प्रसाद कह सकते हैं आप। ये देखिए छोटी देग है जो बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी, ये लगभग 400 साल पुरानी देग है बादशाह जहांगीर के टाइम की, जब उनके शासनकाल के टाइम की देग है जो बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी। उस सामने जजिस के सामने जो वो बादशाह अकबर ने बनवाई थी उन बादशाह अकबर के टाइम पर।
आप देख सकते हैं ये मस्जिद के जस्ट सामने इस तरफ हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बीबी शाहबिया की मज़ार है। यहाँ पर देखिए पानी है, यहाँ पर पानी पीते हैं यहाँ पर लोग अपने अकीदत के मुताबिक। यहाँ पर पानी पी रहे हैं, पानी स्मूद हो रहे हैं।